मम्मी जी, अगर मोटी मम्मी कह रही हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। आप दुकान से किसी को बुलवा लो। एक मिनट। हेलो, राजा के बैंक अकाउंट के पेपर रेडी हो गए? अच्छा, सिर्फ साइन करना है? नहीं नहीं, आप घर पे मत आइए, आप दुकान पे आ जाइए। हाँ, मैं आपको 1 बजे वहीं पर मिलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब मम्मी जी, हाँ, मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा। वो बैंक वाला दुकान पर पेपर साइन करवाने के लिए लेकर आने वाला है, तो आप मुझे टिफिन दे दीजिए, मैं टिफिन लेकर जाती हूँ। ये लो ना, तो जल्दी जा, जा जा जा, टिफिन दे देना। मोटो मम्मी गई टिफिन लेके। राजा ने दुकान में जिम्मेदारी क्या मांग ली, ये मोटा भाभी ने तो अपना असली रंग दिखा दिया। अब मैं भी दिखाती हूँ कि आशा क्या चीज है। अरे रानी, अरे वाह, आज खाना लेके तुम आई हो? जी। सरस सरस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नट्टू काका, थोड़ा आओ। वेलकम। क्या चल रहा है? डिस्प्ले का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? अरे 1 बज गए हैं, ग्राहक लोग आ गए और अभी राजा कहाँ है? मैं तो राजा के लिए चाय लाने गया था, जब तक वापस आया वो यहाँ नहीं था। राजा अचानक काम छोड़कर कहाँ जा सकता है? अरे 1 बज गए हैं, राजा को चाय क्यों चाहिए अब? 1.5 घंटे में 10 कप चाय पी चुका है वो। राजा, जिम्मेदारी क्या मिल गई? एक ही दिन में दुकान छोड़ के भाग गया बस। लेकिन कहाँ गया होगा राजा, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। अरे यहाँ पर कोई है? मुझे कुछ शर्ट के कपड़े देखने हैं। बाप, एक मिनट में आया। ये सारा का सारा कचरा भी फटाफट साफ कर दो। जी अब आया। जहाँ फोन उठाओ उठाओ फोन। राजा ऐसा दुकान छोड़कर कहाँ जा सकता है? अरे ये लाइट को क्या हो गया भाई? अभी आ जाएगी सर। राजा फोन उठाओ प्लीज, कहाँ हो तुम? अरे टांग बेटा, पूरे मार्केट में तो लाइट आई हुई है, अपने दुकान में अंधेरा क्यों छाया हुआ है? मैं दुकान में भूचाल आया था? अंधेरे में कपड़े कैसे देखे? लाइट का देखो भाई। नहीं नहीं, अभी 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 दो मिनट में आ जाएगी ना। नट्टू काका, ये किसी को भेज के सर के लिए थोड़ा कुछ ठंडा गरम चाय मंगाओ ना। 2 मिनट प्लीज, आप लोग थोड़ा 2 मिनट बैठिए, मैं अभी जरा लाइट का देख के आता हूँ, बस 2 मिनट प्लीज। हाँ, भंगार आइडिया निकला पापा, इतना खर्चा करने के बाद भी देखो दुकान का कचरा कर दिया है। अभी अगर एक भी कस्टमर वापस गया ना पापा, नुकसान का एक पैसा मैं राजा से वसूल करूंगा, बोल देता हूँ भी। हाँ बेटा। हितांग भाई, राजा ऐसे कैसे कर सकता है? अरे तो ये क्या कर दिया है? देखो ने। लेकिन ये तो बताओ है, राजा है कहाँ? वही तो नहीं पता ने पापा। पता नहीं मतलब क्या है? मिस्टर इंडिया बन के गायब हो गया? अरे भाई बैठने के लिए स्टूल तो दो। दो मिनट में देता हूँ सर मैं अभी अभी। अरे क्या बुरा था, स्टूल पे सामान रख, ये देते बेटा ये। दो मिनट हटाओ। उठो उठो राजा, उठो राजा, उठो ना राजा, उठने। राजा
यही दुकान का मालिक है ना? सेठ देखो कैसे सो रहे। अरे उठने का जरा। अरे पी के आया है क्या? नहीं है तांग भाई, राजा पीता नहीं है। अरे तो ऐसे गधे घोड़े बेच के क्यों सो रहा है ये? एक मिनट, बराबर थे, बदबू तो नहीं आ रही। अरे तो दुकान के टाइम पे क्यों सो रहा है गधेड़ा? अरे उठने राजा, राजा उठो ना राजा। अरे दुकान का सेठ तो सो रहा है, चलो मैं अपने लिए शर्ट कहीं और देख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, अरे भाई भाई चलो ठीक है भाई। अरे अरे उठने उठ। एक्सक्यूज मी जी, कौन? ये राजा देशमिया की ही दुकान है ना? मैं बैंक से आया हूँ, उनका अकाउंट खोलना था। जी आप बिल्कुल गलत टाइम पे हैं, राजा साहब तो आउट। अरे क्या आउट आउट है? अरे तबियत खराब है जरा सी। मोटा भाई सॉरी। अरे इसका सुबह से मगजमारी चालू है। अरे सोना ही था तो दुकान में आया ही क्यों था गधेड़ा? अरे पता है कितना नुकसान हो रहा है उठने। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन पहले उसे नींद से तो जगा। अरे वही तो कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहा ना वो। उठ राजा। कितना कितना आराम से बेटा आराम से। एक मिनट एक मिनट। उठने पानी दे, पानी ना। क्या हुआ गधेड़ा? अरे राजा साहब नींद पूरी हो गई? नहीं नहीं एक आध सपना और देखने तो सो लेने अभी। मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे क्योंकि मगज में ढोकला भरा है तेरे। मैं तो यहां पे काम कर रहा था तो ये पप्पा। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। वीणा बहन मुझे कुछ शर्ट्स देखने दे। हाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नट्टू काका आप वो इलेक्ट्रिशियन को बुला के जरा बिजली का देख लो। जी जाओ जाओ देखो। राजा तुम ठीक तो हो ना? मोटा पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो काम कर रहा तो फिर कैसे? कोई बात नहीं बेटा अभी तुम घर जाओ, बाद में बात करते। मोटा पापा सच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं लाइट्स लगा रहा था पूरा। कोई बात नहीं मेरी दुकान में ग्राहक है, बाद में बात करते कर तू कर जा। मोटा पापा एक्सक्यूज मी मुझे राजा सर का अकाउंट खोलना था, मेरी यहाँ पर किसी से बात हुई थी। मैंने आपको फोन किया था, आप कल आ सकते हैं क्या? आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जी कोई बात नहीं। मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे कल रात को बात नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम तुम ठीक से सो तो पाते। नहीं ऐसा नहीं है, चांद भाई की शादी हो, घर में इतने जगराते हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं आज ही क्यों ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोटा पापा इतने खुश थे मेरे आइडिया से, और तुमने कहा था ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो बस मैं वैलेंटाइंस डे के लिए डिस्प्ले सजा रहा था, सारा सामान भी आ गया था, तो फिर पता नहीं अचानक से। राजा अब ज्यादा मत सोचो, शाम को जब मोटा पापा घर वापस आ जाएंगे तो प्यार से समझा देना। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, देखा नहीं कैसे देख रहे थे, और रितांग भाई भी कितने गुस्से में थे। अब बुरा लग रहा है मुझे, मैं पहले ही दिन अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पाया। देखो देखो राजा ज्यादा उदास मत हो, तुमने तो दुकान के अच्छे के लिए सोचा था ना।
लेकिन आज कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है मुझे, पता नहीं आज क्या हो गया। ये सोच सोच के राजूड़ा का मगज सूज गया होगा कि उसको इतनी नींद क्यों आ रही है। गजब है ना आपके कान, काम की बात फास्ट ऑफ फास्ट सुन लेते हैं। कोई भी काम अच्छा बुरा या छोटा बड़ा नहीं होता, बस मुझे ना कुछ जिम्मेदारी वाला काम चाहिए। मैं आपको कभी भी एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। राजूड़ा की बात सुन के हमारे इरादे भी उड़ने लगे। ऐसे दही शक्कर में नींद की दवाई मिला के उसको प्यार से खिला दी। पर दवाई एकदम जोरदार थी, एक घंटे के अंदर राजा जमीन चाट रहा था। अब मैंने भी मौका देख के उस पे कपड़ों का ढेर डाल दिया। और फ्यूज पर निकाल दिया। हितांग तो उसे देख के लाल हो गया था। मुझे नहीं लगता कि हितांग उसे इस दुकान में काम भी करने देगा। आप गुस्से में पीले हुए कि नहीं? अरे तू तो मेरे बारे में जानती है कि तदा जब तक मेरा तेल बराबर गरम नहीं हो जाता तब तक मैं अपना पापड़ा नहीं तलता। अबे तू देख शाम को मेरे ज्वालामुखी काका को किम? शाम को मिलते हैं मेरे हीरो। चल बैठता हूँ। अरे आपको पता नहीं है मम्मी आपने क्या मिस किया है? अरे आपको देखना चाहिए था ये राजा साहब को, ऐसे मस्त कपड़ों का बिस्तर लगा के ऐसे सोए थे मस्त आराम से। कस्टमर जाता है तो जाए ना, कस्टमर की किसको जरूरत है पापा। हमारे महान मार्केटिंग मैनेजर ने आज सेल बढ़ाने की बजाय सेल घटा दी। बोलो ए भाई, ये दुकान को मंदिर जैसे पूजो ने तो लक्ष्मी माता आती है, खुश होती है वो। ऐसे ही चलता रहा ना भाई तो 10-12 दिन से ज्यादा तू टिकेगा नहीं दुकान पे, बोल देता हूँ। बस कर हितांग। अरे क्या बस कर मम्मी, वैसे भी राजूड़ा कल रात को सोया नहीं है, ऊपर से तुम्हारे पापा ने उसे डरा दिया था, इसलिए टेंशन में नींद आ गई होगी उसे। अरे टेंशन के हमारे लोगों को नींद नहीं आती है कीर्तिदा, उल्टा लोग ताबड़तोब काम करते हैं ताबड़तोब। आजा अगर तेरी नींद बराबर नहीं हुई थी तो दुकान जाने की क्या जरूरत थी मेरे भाई है? तेरे से किसी ने जबरदस्ती की थी? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ किसी ने जबरदस्ती की थी? सॉरी मोटा पप्पा। अरे सॉरी नहीं चाहिए राजा। कहा था ना मैंने गलती की माफी नहीं मिलेगी, कहा था ना मैंने। और तूने बराबर बैंड बजाया अपने मोटा पापा के भरोसे का। अब एक बात सुन, हमारी दुकान में एक सेल्समैन था जो गद्दी में बैठ कर जमाई ले रहा था, ऐसा मुंह फाड़ के अरे पप्पा ने उसे फौरन रवाना कर दिया दुकान के बाहर। जिस आदमी को गद्दी का इतना मान था उसी का बेटा गद्दी पे सो गया। अरे यार धनु जिंदा होता ना तो शर्म से पानी पानी हो जाता तेरी एक गंदी हरकत देख के। ये दुकान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को तूने खेल समझ लिया राजा। अरे तेरे को मालूम है कितना नुकसान हुआ है तेरे कारण? हाँ पापा मैं तो बोलता हूं अभी जैसा पहला था ना वैसे ही बरोबर था, जो जिसके लायक होता है ने उसको वही काम देना चाहिए। पन मोटा भाई आप तो जानते हैं ना कि राजा कितना मेहनती है, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा मोटा भाई, कोई तो कारण होगा, बोल ना राजा। अरे आशा बे क्या बोलेगा, ये गद्दी पे सोने का मतलब है धंधे का और लक्ष्मी माता का अपमान। और तूने वही किया राजा, वही किया। चलो अभी जो हुआ हो गया, अभी मुझे बहस कंकास नहीं चाहिए। इतांग ठीक कह रहा है, जो जैसा चल रहा था वापस वैसे ही चलेगा।
एतांग, और डिस्प्ले से सब हटा देना। मुझे सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए। क्या राजा, तुझे दुकान में पहला दिन था तेरा और तू जाके सो गया। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है राजा, तू ऐसे कर सकता है। सॉरी मम्मी, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, पता नहीं। तूने देखा ना तेरे मोटा पापा कितना दुखी हो रहे थे, और अगर तेरे पापा जिंदा होते तो उनको कितना बुरा लगता। राजा जानता हूँ मम्मी मैं। अरे तू धनवंत रेशमिया का बेटा है, बहुत उम्मीदें हैं तुझसे लोगों की। अगर मेरी ये उम्मीद टूटी ना बेटा तो दूसरे मुझसे जीत जाएंगे और मैं अपने सामने दूसरों को जीतते हुए नहीं देख सकती हूँ। नहीं मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ कि तू अपना ध्यान रख और ध्यान लगा के काम कर, जा आराम कर। और तूने बराबर बैंड बजाया अपने मोटा पापा के भरोसे का। जो जिसके लायक होता है ना उसको वही काम देना चाहिए। राजा कुछ खा लो। जानते हो तुम्हारे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ तो खा लो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। जानते हो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जब इंसान हार जाता है तो अपनी ही आंखों में गिर जाता है, उसका दिल और दिमाग साथ छोड़ देते हैं, फिर अंदर का विश्वास टूट जाता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। यही महसूस कर रहे हो ना? पता है मुझे, इसलिए सबको साइड में रखो और बात समझने की कोशिश करो। मतलब ये कि तुमसे गलती हुई, तुम्हें बुरा लगा, सबसे डांट खाई, तुमने माफी मांगी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हो गया ना? अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पहली बार मांग के दुकान की जिम्मेदारी ली थी और। तो कोई बात नहीं, पता है राजा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे। मेरे काम का पहला दिन था और दाम इतने ज्यादा थे कि कोई जूते चप्पल रखने आया ही नहीं। मैं भी मोल भाव करने को तैयार नहीं थी, इसलिए सबसे लड़ जाती थी, इसलिए पूरे दिन में एक रुपए की भी कमाई नहीं हुई। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे तुम्हें अभी लग रहा है। फिर तुमने क्या किया? फिर क्या करती, मैंने अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई और खुद से वादा किया कि मैं वो गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगी, और रोज काम शुरू करने से पहले मैं वो गलतियों की लिस्ट चेक करती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि नया काम है तो गलतियां होंगी, अब इंसान गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा, तो बस आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैसे आगे बढूं? जिस काम में आगे बढ़ना चाहता था वो तो काम ही खत्म हो गया। किसने कहा खत्म हो गया? तुमने वैलेंटाइंस डे के डेकोरेशन के बारे में सोचा था ना? वैलेंटाइंस डे तो कल है। हाँ तो किसने कहा कि हम दुकान के डेकोरेशन आज रात को नहीं कर सकते? तो क्या बोलते हो पार्टनर, आगे बढ़ के करे शुभारंभ? हो आरंभ, हो आरंभ, हो प्रेम का।
दोबारा मुझ आ रहा हूँ।